कड़ाके की ठंड के बावजूद रात दिन जमे रहे सत्याग्रही। बिहार में CANRC एवं NPR वापस लेने की मांग पर संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 10 जनवरी से जारी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन कड़ाके की ठंड के बावजूद रात दिन जारी रहा। इस मौके पर कई राजनीतिक दलों एवं संगठनों के लोगों ने सत्याग्रह में आकर सत्याग्रहियों को संबोधित किया एवं तन मन धन से सत्याग्रह आंदोलन को सहयोग देने का वादा किया। सरकारी बस स्टैंड में संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा CANRC एवं NPR हटाने की मांग पर बड़ी तैयारी के साथ 10 जनवरी को अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया गया। इसमें जिले के हजारों लोग भाग ले रहे हैं। सत्याग्रह स्थल पर कड़ाके की ठंड को देखते हुए अलाव की भी व्यवस्था की गई। सभा की अध्यक्षता बैजनाथ ठाकुर, आजम हुसैन, प्रमोद राम ने की तथा संचालन सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं विश्वनाथ राम ने संयुक्त रूप से किया। 12 जनवरी को पप्पू यादव एवं 14 जनवरी को कवि इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई नामी लोग सत्याग्रह में भाग लिए। संघर्ष में आना पड़ेगा। अगर आप संघर्ष समय रहते हुए संघर्ष आप नहीं करते हो, आने वाला जो हमारा पीछे होगा हमको गाली देगा कि देश को बर्बाद करने में हमारा जो है अगला पीढ़ी पूरी तौर पर दोषी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये अवसर है भारतीय जनता पार्टी को नकेल कसने के लिए। ये अवसर है आपको RSS के लोगों पर नकेल कसने पर। आज क्या है कि आज जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के पैमाने पर सबसे बेहतर जो JNU है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, उसमें आज क्या हो रहा है